स्त्रियों को प्रत्येक महीने 5 दिन अलग रहना होता है। 5 दिन इनके जीवन का यही वो समय है जिसे समाज में अलग तरीके से प्रदर्शित किया गया है। वास्तविकता पता है इसकी? ये 5 दिन ही क्यों, 3 दिन, 2 दिन, 1 दिन, 8 दिन, 10 दिन अलग क्यों नहीं? ये महीने के 5 दिन इसलिए कि 5 एलिमेंट्स हैं इंसान के अंदर। ये पांचों के पांचों एलिमेंट्स एक साथ किसी के अंदर हैं तो स्त्री के अंदर हैं, तभी तो वो पुरुष और स्त्री दोनों को जन्म देने की क्षमता रखती है। एक स्त्री स्त्री को भी जन्म देती है, एक स्त्री पुरुष को भी जन्म देती है, क्योंकि उसके अंदर ये 5 के 5 एलिमेंट्स ममता के अंदर समाहित हैं। हाँ, और ये 5 दिन में पांचों के पांचों एलिमेंट्स की विशुद्धता का श्रेय है। और एक खास बात बताऊं, उन दिनों में कुछ स्पर्श नहीं करना चाहिए, उन दिनों में किसी चीज को छूना नहीं चाहिए, उन दिनों में थोड़ा शांत रहने की कोशिश करनी चाहिए, उन दिनों में बहुत सारा काम नहीं करना चाहिए, उन दिनों में आपको अपना ख्याल ज्यादा रखना चाहिए, उन दिनों में तुम कोशिश करो, तुम प्रयास करो, थोड़ा एकांतवास करो, ऐसा करना चाहिए। इन सब चीजों को गलत तरीके से तुम्हारे सामने रखा गया, तुम्हें लगता तुम अशुद्ध हो, तुम्हें लगता तुम कुछ छू नहीं सकते, तुम्हें लगता तुम उस समय पूजा नहीं कर सकते, तुम्हें लगता उस टाइम पर तुम दुनिया के सबसे खराब व्यक्ति हो। नहीं 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 नहीं, नहीं। ये नैपकिन बेचने वाली कंपनियों के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना। लोग बेचने के लिए कुछ भी कह रहे होते हैं तुम्हें, इसलिए मत करना उस समय, क्योंकि तुम उस समय और अधिक शक्तिशाली हो। उस समय तुम्हारे जीवन में इतनी शक्तियों का प्रवाह हो रहा होता है कि तुम जिस भी चीज को स्पर्श कर दोगे वो नष्ट हो सकता है, हो जाएगा नहीं, हो सकता है। उस समय की तुम्हारी ऊर्जा दूसरा कोई समाहित नहीं कर पाएगा, संभाल नहीं पाएगा, इसलिए कोई चीज छूकर किसी को मत देना। हर चीज का एक पावर का निर्धारण है, कितनी पावर कोई सहन कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं। कितने डोज की दवाई किसको दी जानी चाहिए, डॉक्टर पहले से समझता है फिर देता है। उस टाइम पर तुम बहुत शक्तिशाली हो, तुम बहुत पावरफुल हो इस समय, इसलिए उस टाइम पर किसी के लिए कुछ बुरा मत कह देना, वरना हो जाएगा वैसा। तुम अपने जीवन में वो 5 दिन पूरी तरह से भगवान होते हो। तुम अशुद्ध नहीं हो, कोई अशुद्ध होकर तुम्हें न छू ले, इस बात का भय है। इस बात का भय नहीं है कि तुम कुछ छू लो, भय इस है, ये है कि कोई तुम्हें न छू ले और उसका जीवन खराब होने लग जाए। लोग कहते ना, बिना नहाए भगवान को मत छूना, तो 1000 लोगों को समझाना मुश्किल था, इसलिए तुमको ये कह दिया गया, क्योंकि तुम बलवान हो, तुम्हें शांत बिठा देना बड़ा आसान था। नदी की सुंदरता उसके किनारे बंधे रहने में है, सुंदर लगती है। दंतान बिना भक्षत चर्म डंडीम, वरना किनारे टूट जाएं तो सैलाब आता है, अगर किनारे टूट जाएं तो बर्बादी आती है, विध्वंस होता है। तुम्हारे किनारे इसलिए बांधे जाते हैं, टाइम से आओ टाइम से जाओ, अच्छे से सब कुछ काम करो, इसलिए नहीं कि तुम पर कोई प्रतिबंध करना है, इसलिए तुम्हारा श्रृंगार बढ़ेगा। तुम्हारे किनारे टूट गए ना तो सब समाप्त हो जाएगा, दुनिया में कोई संभाल नहीं पाएगा तुमको। गंगा को संभालने की क्षमता केवल और केवल भगवान शिव में है, सब में नहीं है। ये एक बाल केवल छोड़ा है, उसमें ही देखो सावन में भादों में तहस नहस होने लगता है, सारी की सारी आ जाती तो सोचो क्या होता। हाँ, पूरी की पूरी पृथ्वी धरातल में चली जाती सीधी, ऐसा होता। तुम पूरी की पूरी जब कहीं जाते हो तो वहां सब समाप्त हो सकता, क्योंकि कोई संभाल नहीं पाएगा तुमको। तुमको संभालना मुश्किल है, तुम्हारी शक्तियों का समूह संभालना मुश्किल है। आपको एक बात बताऊं, हल्के तारों में बहुत बड़ा बिजली का प्रवाह नहीं डाला जाता, लाइन खराब होने की संभावना बन सकती है। हाँ, पूरी की पूरी लाइन ही ब्लास्ट हो जाएगी।
इसलिए आपसे निवेदन किया जाता है कि आप उस बीच में किसी को स्पर्श न करें। छोटे छोटे बच्चे हैं तुम्हारे घर में, तुम शक्तिशाली हो, कोई और नहीं। सब लोगों को करंट से दूर रखा जाता है, करंट को ही किसी तरह दूर रख दिया जाए तो कितना अच्छा है। तो इसलिए तारों में ऊपर से प्लास्टिक लगा दी गई। तो तुम्हारी मर्यादा इसलिए तुमको ढककर रखने की बात कही जाती है, इसलिए तुम्हें सजा के संवार कर विशुद्धता से रखने की बात कही जाती है, क्योंकि तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा पावर कोई संभाल नहीं पाएगा। तुम इज्जत हो, तुम सम्मान हो, ये बड़ी छोटी बात है, वो तो तुम हो ही, तुम सिरमौर हो परिवार का, तुम ताज हो परिवार का, तुम आन बान शान हो परिवार की, तुम अपने पापा की, अपने अपने मम्मी की, अपने माता अपने पिता की, अपने परिवार की, अपने भैया की, तुम दुलारी और लाडली हो, और तुम सर्वश्रेष्ठ हो। तुमसे बड़ा है क्या उस समय कोई? तुम्हें कोई संभाल नहीं रहा है, तुम सबको संभाल रही हो। संभाल कर रखना अपनी शक्ति, अपनी एनर्जी, अपनी पावर तुम्हें संभालनी है, क्योंकि पूरा विश्व खत्म हो जाएगा तुम्हारी शक्ति से। तुम शक्ति हो, तुम दुर्गा हो, तुम काली हो, तुम ही तो हो सब कुछ, तुम्हें संभालना है सब। तो वो 5 दिनों में तुम्हें इसलिए शांत रहना है, इसलिए कुछ स्पर्श नहीं करना है, क्योंकि उस बीच में तुम्हारे पास शक्ति और पावर ज्यादा है।